अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं पेशावर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री हूँ। मैंने खैबर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की, इसके बाद कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से मेंबरशिप इन साइकियाट्री की एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद फेलोशिप इन साइकियाट्री, जिसे FCPS कहते हैं, वो भी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से किया। मैंने मेंटल हेल्थ पॉलिसी एंड सर्विसेज में न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन से MS की डिग्री हासिल की और उसके बाद इसी यूनिवर्सिटी से कल्चरली अडेप्टेड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे काम करके पब्लिक मेंटल हेल्थ में PhD की डिग्री हासिल की, जिसमें मुझे सुमा कम लॉडे के एजाज़ से नवाजा गया। इस वक्त पाकिस्तान को मैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ कल्चरल साइकियाट्री में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसमें उनका एक ख़ास शोबा जिसे कल्चरली अडेप्टेड इंटरवेंशन कहते हैं, ये उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है, उसको लीड कर रहा हूँ एज अ चेयर। इसके अलावा मैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपिस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूं और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स, जो पाकिस्तान में छपने वाले तमाम मेडिकल जर्नल्स की नुमाइंदा तंजीम है, उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट हूं। बुनियादी तौर पर साइकियाट्रिस्ट का रोल मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट से बहुत पहले मेंटल हेल्थ की प्रिवेंशन में होना चाहिए। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारा काम जो है वो लोगों में सबसे पहले इस बात की आगही पैदा करना है कि उनको ये एहसास हो कि ज़हनी सेहत की उतनी ही अहमियत है, बल्कि उससे ज़्यादा अहमियत है जितनी जिस्मानी सेहत की है। एक बहुत मशहूर जुमला है अंग्रेज़ी में, मैं उसका तर्जुमा भी किया देता हूँ। अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि देर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो आपकी सेहत एग्जिस्ट ही नहीं करती है अगर आपकी ज़हनी सेहत मौजूद नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान, हमारा रुझान इसी तरफ रहे। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत बड़ा एरिया हमने कवर कर लिया प्रिवेंटिव का। इसके साथ साथ हमें बेहतर तरीके ज़िंदगी के हवाले से, जो ज़हनी सेहत के लिए मयारात मुकर्रर हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है, जिसे प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ को कहा जाता है। इसी तरह जब ये दो बातें हो जाएं, उसके बावजूद भी कुछ लोग ज़हनी बीमारियों के शिकार हों, उनकी ट्रीटमेंट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जब वो ट्रीट हो जाएं तो फिर उनकी रिहैबिलिटेशन और उनको माशरे में बेहतर हिस्सा बनाने के लिए अपनी कोशिश करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ ये तमाम चीज़ें मिल के एक पैकेज बनाती हैं और यही वो पैकेज है जो हमें एक साइकियाट्रिस्ट की हैसियत से अपने साथ ले कर चलना चाहिए। देखिए, बीमारी की नौइयत पे मुनहसर है कि उसका इलाज कैसे होगा। कुछ बीमारियों में ऐसा भी हो जाता है कि मरीज़ को एहसास ही नहीं हो पाता और उसके अंदर ये कैफियत मौजूद ही नहीं रह पाती कि वो ये बता सके कि वो बीमार है या नहीं। जैसे कि आमतौर पर आपने ये नाम सुने होंगे, साइकोटिक इलनेसेस हैं, जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया एक नुमायाँ नाम है जो आपने सुना होगा, जिसमें मरीज़ की इनसाइट मौजूद नहीं होती और उसको एहसास नहीं होता, जबकि दीगर लोगों को एहसास होता है। इसके मुकाबले में जो दीगर बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा कॉमन हैं और हम ज़्यादातर उन्हीं को देखते हैं, जिनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी शामिल है, इसमें आपको ख़ुद भी एहसास होता है कि मेरे रवैयों में तब्दीली आ रही है और मेरे लोगों से इंटरेक्शंस जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो रहे हैं, मेरी जो जिस्मानी हालत है और जिस्मानी कैफियत हैं उसमें मुझे नुमाया फ़र्क महसूस हो रहा है। मिसाल के तौर पर नींद में ख़राबी पैदा हो जाना, भूख में मसाइल का शिकार हो जाना, इसी तरह रवैये बदलते महसूस होना, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको ये बताती हैं कि अब तबीयत ठीक नहीं है और इसके लिए किसी से मशवरे की ज़रूरत है। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि हमें ये समझ आ जाए कि हम ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि जिस वक्त ये नहीं है कैफियत, उसके मुकाबले में जब ये कैफियत पैदा हो रही है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये तय करेगा। आप लोगों से अपना मुकाबला नहीं कर सकेंगे कि फ़लाँ शख्स ऐसा किया करता है और मैं ऐसा करता हूँ इसलिए मैं ठीक नहीं हूँ। आप ही की पहली कैफियत जिसको आप ठीक समझते हैं, उसके मुकाबले में जो अब की कैफियत है, इन दोनों के दरमियान अगर कोई तनज़ली, कोई डिक्लाइन पैदा हुआ है, तभी आप ये तय करेंगे कि शायद बात ठीक नहीं है और मुझे किसी से मशवरा करने की ज़रूरत है। सवाल करने वाले ये पूछते हैं कि उनको इस वक्त साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो मैं दोनों के रोल्स के बारे में बता देता हूँ। साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं इलाज में इस तरह से कि वो बातों के ज़रिए इलाज करते हैं, जिनको हम टॉकिंग थेरेपीज़ कहते हैं। इसमें बहुत ही बुनियादी यानी काउंसलिंग से लेकर बहुत स्पेसिफ़िक यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या दीगर थेरेपीज़ का सहारा लिया जाता है। सो उनका एक बहुत वाज़े रोल है। इसके मुकाबले में साइकियाट्रिस्ट
को ये एज हासिल है कि वह ना सिर्फ अगर ट्रेंड हैं थेरेपीज़ में तो वो थेरेपीज़ प्रोवाइड करें बल्कि दवाई भी प्रिस्क्राइब कर सकें। ये कानूनन भी बहुत वाज़े फ़र्क है कि साइकोलॉजिस्ट को ये इख्तियार हासिल नहीं होगा कि वो किसी किस्म की दवाई लिख सकें। जहाँ तक दवाइयों के इस्तेमाल का ताल्लुक है, ये एक मिथ है कि तमाम दवाइयाँ एडिक्शन या ऐसी कैफियत का बायस बनती हैं कि आप उनके एक दफ़ा आदी हो जाएं तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। जहाँ तक स्पेसिफिक फार्माकोलॉजी का ताल्लुक है, ऐसा करने की क्वालिटी सिर्फ बेंजोडिएज़ेपिन या ख्वाब अबर दवाइयाँ या जिन्हें नींद की गोलियाँ कहा जाता है, सिर्फ उनमें है। बाकी तमाम दवाइयाँ आपकी कैफियत और आपकी बीमारी के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती हैं और उनमें आपको बेहतर करने की सलाहियत है, एडिक्शन की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। जहाँ तक ये सवाल कि एक दफ़ा कोई इस्तेमाल करना शुरू करे तो वह ताउम्र करेगा, ये डायग्नोसिस पे यानी तशखीस पे मुनसर है। बहुत सारी बीमारियों की तशखीस के साथ ये जुड़ा होता है कि आपको बताया जाए कि कम अज़ कम दौरानिया इस्तेमाल क्या है, और जब वो दौरानिया इस्तेमाल पूरा हो जाए और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसने अफाका कर दिया है तो इसके लिए ये किया जाए कि कोशिश की जाए कि आहिस्ता आहिस्ता करके डोज को कम करके उसको बंद कर दिया जाए, और ये बहुत सारे केसेस में ये सक्सेसफुली कर लिया जाता है। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे खौफजदा होने या इससे डरने की कोई ज़रूरत है। वहम की बीमारी जिसकी आपने बात की, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, बुनियादी तौर पर पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये नाम कैसे हैं। तो ऑब्सेशन वो ख्यालात हैं जो आपके जहन में आते हैं और आपको मजबूर करते हैं कोई काम करने पे, और वो काम बहुत सारे हवालों से होते हैं। हमारे सेटअप में दो हवाले बहुत कॉमन हैं, एक को सफाई के हवाले से बहुत सारे ख्यालात आना कहते हैं और दूसरे को चीज़ों को चेक करने, जैसे ताले कुंडियाँ, इनको चेक करने के हवाले से ख्यालात आने का कहा जाता है। जहाँ तक डिप्रेशन का ताल्लुक है, डिप्रेशन इस वक्त रूए ज़मीन पर पाई जाने वाली बीमारियों में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर करने वाली बीमारी है, बल्कि स्टेटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि कार्डियोवास्कुलर इलनेस के बाद डिप्रेशन ही वो बीमारी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने का बाइस बनती है। न सिर्फ ये कि ये बीमारी ख़ुद से लोगों को तकलीफ़ पहुंचाती है, बल्कि बहुत से लोग जो बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों के शिकार होते हैं, जिनमें आप कॉमनली डायबिटीज़ की बीमारी देखते हैं या बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं या कोई ऐसी कैफियत हैं जिनका कोई शिकार होता है, जिनका फ़िलवक्त कोई सलूशन नहीं होता, उन तमाम लोगों के चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेस्ड हो जाएं। अब सिर्फ डिप्रेस्ड होना तो एक मामला है कि उसका इलाज शायद हो जाए, लेकिन इसके होते हुए उन बीमारियों जिनका वो शिकार होते हुए इसका इलाज नहीं कर पाए, यानी डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, उनमें मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और वो मसाइल ये होते हैं कि वो डिप्रेशन की वजह से इतने डीमोटिवेटेड होते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज नहीं करते। तो एक तरफ तो वो डिप्रेशन का शिकार हैं, साथ ही डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो गई है तो बीमारी पे बीमारी बढ़ती जाती है। ये एक बहुत बड़े मसले का बायस है, इसीलिए डिप्रेशन को बहुत अर्ली स्टेज पे जानना ज़रूरी है और उसके लिए तदारक के लिए कोशिश करनी ज़रूरी है। अब इलाज की बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, जैसे हम अभी भी जिक्र कर चुके कि इसके लिए थेरेपीज़ मौजूद हैं, इसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा समझा जाता है और ये समझा जाता है ज़्यादा मौसर तरीका है, वो इन दोनों का कम्बिनेशन है। सो ये वो तमाम तरीके हैं जिनके तहत आप डिप्रेशन का इलाज करते हैं। और मैं वैसे भी ये बात बताता चलूँ कि इस वक्त अगरचे हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से कोई एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तकरीबन हर चौथा शख्स किसी न किसी हवाले से डिप्रेशन का शिकार है। तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको तदारक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, वरना जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली चीज़ है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ ही अच्छी ना हो तो हम अदरवाइज़ भी बहुत मुतासर होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका ख्याल रखें। मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अपने जहन में बहुत सारे सवालात रखते होंगे। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि मरहम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप मुझसे आपके जहन में जो सवालात हैं, या अगर आप समझते हैं कि आप किसी ख़ास बीमारी का शिकार हैं, तो आप ऑनलाइन या फिज़िकली क्लिनिक आके रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा।